देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती देश भर में मनाई गई। हिमाचल में भी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को याद किया गया और जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। शिमला के रिज मैदान पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां शिमला जिला उपायुक्त आदित्य नेगी सहित कांग्रेस नेताओं ने इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उन्हें याद किया। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता देवेंद्र बुशहरी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के मौके पर उन्हें याद किया जा रहा है। इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और पूरा विश्व उन्हें आयरन लेडी के नाम से जानता था। देश के विकास के लिए उनका जो योगदान है उसे देश कभी भुला नहीं सकता। देश की एकता अखंडता के लिए उन्होंने अपने जीवन तक का बलिदान दे दिया, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लिए इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा योगदान है। 25 जनवरी 1971 को शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य घोषित किया था और यह देश का 18वां गणराज्य बना। इसलिए नेहरू और गांधी परिवार का यह देश ऋणी रहेगा। उनके बहुमूल्य योगदान को यह प्रदेश कभी नहीं भूल सकेगा। श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जन्म दिवस है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, जिनको पूरा देश के पूरा विश्व एक आयरन लेडी के नाम से जानते थे। इस देश के लिए जो उनका बहुमूल्य योगदान प्रधानमंत्री के रहते हुए रहा, उसको यह देश और पूरा विश्व कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि जो बलिदान उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए इस देश के लिए दिया, उसको पूरा विश्व आज उनके बलिदान को याद कर रहा है। और ख़ास तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। हिमाचल प्रदेश जब पूर्ण राज्य का दर्जा इस प्रदेश को मिला, 25 जनवरी 1971 को इसी ऐतिहासिक रिज मैदान पर उन्होंने इस प्रदेश को पूर्ण राज्य घोषित किया था और ये प्रदेश देश का 18वां गणराज्य बना। इसलिए नेहरू परिवार और गांधी परिवार का ये प्रदेश हमेशा ऋणी रहेगा। उनके बहुमूल्य योगदान को ये प्रदेश कभी भूल नहीं सके। अर्थ प्रकाश के लिए शिमला से देव की रिपोर्ट।